नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है किशनगंज जीके ग्रुप में। और आज दिनांक है 10 फरवरी 2020। उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं आज के पहले प्रश्न से। हाल ही में NPCI ने UPI सेवा की मंजूरी किसे दी है? तो आंसर है व्हाट्सएप ने। व्हाट्सएप को NPCI ने UPI सेवा प्रदान करने की मंजूरी दी। NPCI का पूरा नाम है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और UPI का पूरा नाम यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है। अब यह सुविधा व्हाट्सएप को दी है तो व्हाट्सएप के बारे में जानते हैं। व्हाट्सएप की स्थापना कब हुई थी? 2009 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? कैलिफोर्निया में। और इसके संस्थापक कौन है? ब्रेन एक्टन और जॉन कॉर्न हैं और वर्तमान CEO जॉन कॉर्न ही है। अब बात करते हैं NPCI। NPCI की स्थापना कब हुई? NPCI की स्थापना 2008 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके चेयरमैन बालाचंद्रन M हैं। और UPI की स्थापना 2016 में हुई है और इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अमेरिका में कितने देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता गठबंधन शुरू करने की घोषणा की है? आंसर है 27 देशों के साथ अमेरिका ने इस पर घोषणा की है। अब यह घोषणा 5 फरवरी 2020 को हुई और यह घोषणा है क्या? इस घोषणा में समान विचारधारा वाले साझेदारों का एक गठबंधन है जो विश्व में प्रत्येक व्यक्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता को सहेजेगा एवं उस पर संघर्ष करेगा। अब बात करते हैं यह घोषणा अमेरिका ने की है तो अमेरिका की राजधानी कहाँ है? Washington DC। वह अमेरिका का सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क नगर है। वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति माइक पेंस है। वहाँ की मुद्रा अमेरिकी डॉलर है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के कार्यान्वयन के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? आंसर है इंदौर, मध्य प्रदेश। अब यह पुरस्कार मध्य प्रदेश में जीता है तो मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, राजधानी भोपाल और राज्यपाल लालजी टंडन हैं। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में किसने पुरस्कार दिया है? तो केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मध्य प्रदेश सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी को यह पुरस्कार दी है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में दिनकर केशव राय का निधन हुआ है, वे कौन थे? आंसर है प्रतिष्ठित पत्रकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में NCRB की रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक गुमशुदा महिलाओं की संख्या किस राज्य में है? आंसर महाराष्ट्र। अब इस रिपोर्ट में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। अब बात करते हैं NCRB, ये क्या है? NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो और इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने प्रसार भारती के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? आंसर है एस सूर्य प्रकाश। अब बात करते हैं एस सूर्य प्रकाश ने प्रसार भारती जो कि ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाता है, इसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। तो प्रसार भारती की स्थापना कब हुई थी? 23 नवंबर 1997 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। और इसके CEO कौन है? शशि शेखर। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन बने हैं? आंसर है विराट कोहली। ये एक साल में $237.5 मिलियन की कमाई के साथ सबसे ज़्यादा मूल्यवान सेलिब्रिटी के दौर में ये 3 साल से लगातार पहले नंबर पे आ रहे हैं। अब यह रिपोर्ट ग्लोबल एडवाइजरी फर्म डफ एंड फ्लेप्स की रिपोर्ट है। पहले नंबर पे तो विराट कोहली हैं, देखते हैं दूसरे नंबर पे अक्षय कुमार $104.5 मिलियन, तीसरे नंबर पे दीपिका पादुकोण, चौथे नंबर पे रणबीर सिंह, पाँचवें नंबर पे शाहरुख खान और छठवें नंबर पे सलमान खान हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने देश भर में कितने मेगा फूड पार्कों की स्थापना की घोषणा की है? आंसर है 39। अब बात करते हैं मेगा फूड पार्क क्या होता है। मेगा फूड पार्क स्कीम का उद्देश्य किसानों को
और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ लाते हुए कृषि उत्पादन को बाजार से जोड़ना एवं किसानों की आय में वृद्धि करना एवं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर को सृजन करने के साथ साथ बर्बादी एवं नुकसान को न्यूनतम करने का प्रयास करना होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लास फॉर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है? आंसर है उत्तराखंड सरकार ने। अब यह घोषणा उत्तराखंड सरकार ने की है तो उत्तराखंड के बारे में जानते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य, राजधानी देहरादून। अब बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड को फूलों की घाटी कहा जाता है। जब फूलों की घाटी कहेंगे तो शांत घाटी केरल में है, इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। उत्तराखंड से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये उत्तराखंड में है और ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और जिम कार्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम हैली नेशनल पार्क है, जो कि 1935 में बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टाटा टेली सर्विस ने किस कंपनी में विलय होने की घोषणा की है? आंसर, भारतीय एयरटेल ने। अब यह घोषणा टाटा टेली सर्विस ने किया तो टाटा टेली सर्विस के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 2000 में हुई है। इसका मुख्यालय नवी मुंबई में है और इसके प्रबंध निर्देशक कौन है? अनिल कुमार सरदाना। अब भारतीय एयरटेल में विलय होने की घोषणा की है तो भारतीय एयरटेल की स्थापना 7 जुलाई सन 1995, मुख्यालय नई दिल्ली, संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में मिस्ट्री काली अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? आंसर है मनोज दास को। ये रहे आज के सारे करंट अफेयर्स की। बात करते हैं 9 फरवरी 2020 के करंट अफेयर्स की। क्वेश्चन था, हाल ही में आयोजित नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में सेम्पो लापुंग ने कौन सा पदक जीता है? आंसर था स्वर्ण पदक। और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हाल ही में डिफेंस एक्सपो के 11वें संस्करण का समापन कहाँ हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और एक्सप्लेन करें, ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो जाए। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और किशनगंज जीके ग्रुप से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और प्रतिदिन के करंट अफेयर्स आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। धन्यवाद।